आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को दी बधाई, उनके उज्जवल भविष्य की कामना। उधारी का 40,000 रुपया ना देना पड़े इसलिए रची फर्जी 1,30,000 रुपए की लूट होने की साजिश। घटना बताया बेतिहाता का और सूचना दिया पादरी बाजार पुलिस चौकी पर। SPCT ने कहा प्रथम दृष्टया लूट की घटना है झूठी। निषाद पार्टी के MLC डॉक्टर संजय निषाद द्वारा भगवान श्री राम पर की गई टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पर डॉक्टर संजय निषाद का प्रतीकात्मक पुतला फूंकने का किया प्रयास। पुलिस की तत्परता से पुतला फूंकने में रहे असफल। MLC द्वारा की गई टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग, जबकि डॉक्टर संजय निषाद ने वीडियो जारी कर किया बयान का खंडन। गुलरिया थाना क्षेत्र के सरहरी पुलिस चौकी अंतर्गत बनकटवा टोला में मंगलवार देर रात दो पट्टीदारियों में पुआल रखने की बात को लेकर हुई मारपीट में एक युवक की हुई मौत। SP नॉर्थ ने कहा तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर की जा रही है पूछताछ। सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने गुरु गोरखनाथ मंदिर स्थित भीम सरोवर पर पहुंचकर व्रती महिलाओं से लगवाया टीका। सिर पर दौरा रखकर की छठी मैया की आराधना, सभी के सुखमय जीवन की कामना। ADG जोन अखिल कुमार ने NDRF के बोट से गुरु गोरखनाथ घाट सहित अन्य घाटों का किया निरीक्षण। कहा छठ में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सादे ड्रेस में महिला पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। CCTV कैमरे से भी रखी जा रही है नजर। लोक आस्था और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर गोरखनाथ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य की आराधना, पुत्र के लंबी उम्र के साथ की लोक कल्याण की कामना। DIG रेंज की अध्यक्षता में संपन्न हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को संपन्न कराने संबंधित बैठक। परीक्षा को सुचितापूर्वक संपन्न कराने के दिए निर्देश। राप्ती तट स्थित गुरु गोरखनाथ घाट पर आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया छठ का महापर्व। डूबते सूर्य को अर्घ देकर व्रती महिलाओं ने की अपने पुत्रों के लंबी उम्र की कामना। गोरखपुर ऑफ इसोपाव एवं गोरखपुर ऑस्ट्रेटिक्स एवं गायनाकोलॉजिकल सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में 13 और 14 नवंबर को आयोजित होगा दो दिवसीय संगोष्ठी। देश के जाने माने चिकित्सक रहेंगे मौजूद। आयोजक अध्यक्ष डॉक्टर साधना गुप्ता ने दी जानकारी। बुधवार को जिला अस्पताल सहित 41 केंद्रों पर 1,834 लोगों को कोविड का किया गया वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज लेने वालों में 328 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1,506 लोग रहे शामिल। CMO ने लोगों से की अपील, कहा अवश्य लगवाएं टीका जीत का। और छठ पूजा के मद्देनजर राप्ती तट स्थित सभी घाटों पर पुलिस व प्रशासन की व्यवस्था रही चाक चौबंद। ADMCT ने कहा सभी घाटों पर पुलिस बल व नदी में NDRF की टीम है मुश्तैद, सुरक्षा के हैं व्यापक इंतजाम।